सर्कुलर मोशन क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 का कंटिन्यूएशन है, जिसमें रेडियस मास वेलोसिटी सेम है, सेम पेंडुलम है, बट इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। पोजीशन क्या बोला, वर्टिकल से एक एंगल बनाया, एंगल कितना है 0.2 डिग्री सॉरी रेडियन, ये एंगल है और ये इसकी पोजीशन है। तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या, नीचे एम जी लग रहा है और ऊपर टेंशन लग रहा है, तो इस टेंशन की वैल्यू पूछा है। तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस एम जी का एक कंपोनेंट आएगा, ये थीटा रहेगा, एम जी का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, ये टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मास कितना है, मास है अपना 0.1, वेलोसिटी 1.4 इंटू 1.4, रेडियस 1 प्लस मास वापस 0.1, एक्सेलरेशन 10 मान लो। अब कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, अब कोस 0.2 रेडियन की वैल्यू पुट करनी है, तो कोस थीटा के यहाँ पे हिंट दे रखा है मैं कि कोस थीटा को 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास टेंशन आ जाएगा 1.16 न्यूटन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।